चाहिए जिससे ये कीमतों को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये कीमतें जो है लगातार पूरे दुनिया में अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप कच्चे तेल की कीमतों को देखें तो उसकी कीमतें लगातार घट रही है। क्रूड ऑयल की कीमतें हैं फिर से लगातार घटती जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान के मार्केट में सिर्फ एक ऐसा मार्केट है जहां पर तेल की कीमतें सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये बहुत शर्म की बात है, मोदी जी को इसको संज्ञान में देना चाहिए और मैं तो कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि इतनी कीमतें ये बढ़ी हुई है इनको तुरंत कंट्रोल करा जाए, क्योंकि एक तो वैसे ही कोविड-19 से पूरा देश परेशान है, त्रह मची हुई है, डीजल इतना महंगा है, आज किसानों खेतों में जो है रुबाई हो रही है, धान लगाया जा रहा है, डीजल की जरूरत है, बरसात नहीं हो पा रही है, इसलिए तेल बहुत महंगा मिल रहा है, तो किसानों की लागत नहीं निकल पाएगी जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल रेट और जो चीज़ें दी है किसानों को, उनके जो मूल है उनका फसलों का जो मूल है वो मूल भी प्राप्त नहीं हो पा रहा, और डीजल बहुत महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो रहा है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने परेशानी हो रही है, और खास तौर से ट्रैक्टर वगैरह जो चलाने में जो खेती बाड़ी में काम करने में बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस रेट को तुरंत से घटाया जाए, आधे भी रेट नहीं है आज की डेट में आप देखें तो 80 रुपये लीटर पेट्रोल, अभी दिल्ली की खबर थी कि पेट्रोल से जो है डीजल जो है महंगा हो गया, ये बड़ी शर्म की बात है देश में जो है, इन लोगों को तुरंत करना चाहिए, किस तरह से देश चला रहे हैं समझ में नहीं आ पा रहा है, ये करना क्या चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को, और मैं तो देश की आवाम से ये कहूँगा एक बार फिर कि सब लोग सड़कों पर आइए निकल कर, उसके बाद फिर इनको जो है पता चलेगा कि हमें क्या करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। पेट्रोल डीजल की बेहतरा वृद्धि के कारण आप लोग यहाँ पर धरना देने आए हैं, क्या क्या आपकी मांगे थी? हम लोग अपने कार्यालय से चलकर समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि देश के अंदर डीजल और पेट्रोल की बहुत महंगाई हो रही है, आम आदमी का कोरोना की वजह से जीना दुश्वार वैसी हो रहा है, कोई रोजगार नहीं है, एक रुपए की किसी की आमदनी नहीं है, ऐसे में लगातार डीजल और पेट्रोल की वृद्धि, और इतिहास में पहली बार हुआ कि जब डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया, ऐसे में हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, अभी ज़िले पे हम लोगों ने धरना दिया था और आज हम लोग अपने कार्यालय से बैलगाड़ियों के जरिए, क्योंकि डीजल के लेने के इतने पैसे नहीं है, पेट्रोल लेने के इतने पैसे नहीं है, तो हम लोग बैलगाड़ियों से चलकर आए और आकर हमने यहाँ पर ज्ञापन किया है, और हमारी ये मांग है, हालांकि हमें उम्मीद नहीं है केंद्र सरकार से कि जिसने महंगाई बेतहाशा कर दी, जिसके ज़माने में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और वो लोग जो कंधे पे सिलेंडर लिए घूमते थे रोडों पर, वो लोग जो डीजल और पेट्रोल की महंगाई से बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन करते थे, आज सब लोग चुप हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक पत्रकार ने पूछ लिया कि डीजल और पेट्रोल की इतनी महंगाई क्यों आ गई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए, जिनके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे में हम लोग, क्योंकि ये आम जन के लिए, आम लोगों के लिए महंगाई है, महंगाई वैसे ही बहुत बढ़ गई, इसलिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है SDM साहब के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को कि इस महंगाई को वापस लेने का निर्देश हिंदुस्तान की सरकार को दें, और हम इसीलिए आज यहाँ पर आए। राज्य सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि यूपी में प्रवासी मजदूरों को 1 करोड़ लोगों ने रोजगार दिया है। भाई ये तो ऐसा ही है, वो वहाँ से ऐलान करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं क्यों झूठ में पीछे रहूं, वो कह रहे हैं 1 लाख करोड़ हमने किसानों के गन्ने का भुगतान कर दिया, और इसी तरह से अब 1 करोड़ नौकरी उन्होंने दे दी, 1 करोड़ नौकरी का मतलब एक गांव में कम से कम 100 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, यहाँ जितने ग्रामीण खड़े मैं पूछना चाहता हूँ किसके गाँव में एक आदमी को भी किसी को नौकरी मिली हो, झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है योगी और मोदी में कि कौन बड़ा झूठ बोलेगा, लेकिन जनता सब समझ गई है 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और उसमें सब लोग उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तभी जनता को राहत मिलेगी। जो पेट्रोल डीजल 30 दिन से गंदी हो रही है उसको लेकर हम आज जिलाधिकारी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी ये मांग है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम 30 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं उनको कम किया जाए, और वे प्रतिष्ठित समाजवादी पार्टी हमेशा अत्याचार के खिलाफ लड़ी है और अत्याचार के खिलाफ लड़ती है। अगर सरकार दाम वापस नहीं करती तो अगला क्या करेगा? अगला फिर हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे।